हेलो दोस्तों, यह सैमसंग ट्विन कूलिंग। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे जब वीडियो बनाया था, पूरा नहीं बनाया था। अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ऊपर सेट से मतलब कूलिंग वगैरह सब परफेक्ट है, ठीक है। ऊपर सेट पूरी परफेक्ट है। अगर इसका नीचे की पोजीशन में देखेंगे हम तो कुछ नहीं है। जैसे कि ये देख सकते हो, यहाँ पे कुछ गैस वगैरह जो है ना रन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से नीचे कूलिंग नहीं आ रही है इसकी। तो लास्ट टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाया था कि इसका कैसा हम गैस डाल सकते हैं क्या नहीं, जो कि ये कंप्लीट कंप्लीट वीडियो नहीं बना था वो, ठीक है। अभी मैं आपको जो है ना इसका प्रॉब्लम क्या है आपको अभी बताऊंगा मैं, बस वीडियो में बने रहना। तो यहाँ से देखिए आप, ये वॉल में जो है लास्ट टाइम पे ये प्रॉब्लम आ गया था ये वॉल में। अभी ये वॉल में क्या होता है, अभी ये वॉल में अगर जैसे ही हम फ्रिज चालू करने के बाद जो है ना, ये वॉल में से जो कि ये ब्लू जो टिक मार्क दिख रहा है ये ऊपर सेट का है, और जो टिक मार्क नहीं है इसका जो नीचे वाला है नीचे की पोजिशन में। अभी हमने लास्ट टाइम पे जो कि कैपलरी डाला था जो कि एक साइड से ब्लॉक हो गया है। ये देखिए, या तो यहाँ से ब्लॉक हो गया है या तो अंदर से ब्लॉक हो गया है। अभी हम इसको चेक करेंगे कहाँ से ब्लॉक हुआ है। ब्लॉक होने के बाद इसको वाल को कैसा आप चेक कर सकते हैं क्या नहीं, मैं आगे बताऊंगा इसको। तो अभी हम अंदर से जो है कैपरी को चेक करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इसको कट करके देख रहे हैं। अभी देखने के बाद पता चलेगा कि अंदर से ब्लॉक हुआ है या नीचे से। ये देखिए दोस्तों, कागज़ में तो गैस यहाँ से आ रही है। अभी हम फ्रिज को पहले टोटल पहले बंद करेंगे, बंद करके हम आपको आगे बताएंगे। तो बंद तो अभी नहीं रहने दो बंद, अभी हम इसको यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से कट करके देखेंगे कि यहाँ पर ब्लॉक हुआ है। यहाँ से तो जो है ना सीधा सीधा यहाँ पर कागज से देखिए देख सकते हैं कि कैसी गैस निकलेगी। आठ सिलेंडर है जो कि डेंजर रहती है, क्योंकि आपको कट सकती है। आप कभी भी जो है ना यहाँ पे लेटर वगैरह नहीं चलाना, ठीक है। यहाँ से दोस्तों यहाँ से तो जो है ना बिल्कुल सही है। यहाँ से जो गैस देख रहे हो कि अभी हम इसको देखेंगे कि कहाँ से ब्लॉक हो गया है। ये देखो दोस्तों, गैस जो है ना काफी तेजी से निकल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो कि ये ब्लॉक होने की वजह से यहाँ से गैस रन नहीं होना नहीं हो रही है, जो कि इसकी वजह से देख रहे हो जो कि काफी पूरा मतलब इसकी जो कैपरी का जो मुंह आता है जो कि पूरा बंद हो गया। बंद होने की वजह से यहाँ पे गैस सर्कुलेट नहीं होने की वजह से जो है यहाँ का कूलिंग कॉइल नहीं आ रहा है, ठीक है। अब रहा दूसरा इसका, कभी कभी ये लास्ट टाइम पे ये वॉल का था, ये वॉल जो है जो कि एक ही साइड में आ रहा था, दूसरे साइड में नहीं आने की वजह से कूलिंग फॉल्ट बता रहा था, ठीक है। अभी हम इसको चालू करने के बाद जो है ना इन दोनों में से ये दोनों में से एयर आनी चाहिए। आप कभी भी आप ट्विन कूलिंग में अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो कभी भी आप यहाँ से जो है ना इसको कट करके इन दोनों को देख लेना चाहिए। अगर ये दोनों में अगर कभी एयर सही से आ रही है तो समझ जाना कि वाल सही है। अगर कभी एक में बंद है और एक में चालू है तो समझ लो कि ये वाल ख़राब है। ये वाल ख़राब होने की वजह से आपको कूलिंग फॉल्ट देखने को मिलता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम इसको अभी कट करके हम इसको पहले चेक करने का तरीका बताएंगे आपको। इसके बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम आने के बाद जो है आप जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये देख रहे हो, ये ऊपर साइड भी एयर आ रही है और नीचे साइड भी एयर आ रही है। अगर ये दोनों अगर कभी एयर आएंगे तो वॉल जो है ना आपका परफेक्ट रहेगा। अगर कभी नीचे
अलग से, मतलब खाली नीचे ही आ रही है, ऊपर नहीं आ रही है तो कूलिंग प्रॉब्लम आता है। जबकि नीचे भी अगर कभी नहीं आ रही है तो जब भी कूलिंग प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अभी ये वॉल तो जो है ना अच्छा ही है। अभी हम इसको जॉइंट करके आपको गैस डाल के बताएंगे कि जो है प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, बुलाने से तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमने इसकी एक जेंट हो गई है जो कि यहाँ से ब्लॉक हुआ था लास्ट टाइम पे, अब इसको जेंट कर दिया है। दोस्तों हमने इसको दोनों साइड से, ये जॉइंट हो गई यहाँ से भी और इसकी भी नीचे साइड की, जो ने दोनों की दोनों जॉइंट हो गई है। अभी हमको कुछ नहीं करना है सिवाय इसका, मतलब खाली सिर्फ लास्ट इसका काम बचा है, ये क्या नरे वाला लगा के जो है ना वैक्यूम करके हम इसको गैस डाल के बताएंगे कि दोनों तरफ आ रही है। तो जैसे कि हमने वैक्यूम लगा दिया है इसको, एक 10 से 15 मिनट हम वैक्यूम लगा के छोड़ देंगे, फिर इसके बाद गैस डाल लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं अभी हमने इसको थोड़ी सी गैस डाल दी है 600, जो कि इसका जो कि 600 जो कंप्रेसर पे है 600 गैस डाल दी है हमने। अभी इसके अंदर देखो अभी जस्ट ऑन हो गया है। अभी जैसे ही गैस अंदर से रन होगा तो जब देखेंगे हम इसमें यहाँ से आ रही है या नहीं, मतलब अगर कभी यहाँ से रन होगा होगी तो जो है यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी आइस जमा होने लगी। ठीक है, तो नीचे साइड देखेंगे कि कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही है, कुछ लाइन वगैरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि नीचे आइस वगैरह चल रही है, मतलब कि गैस रन हो रहा है, जब जाके ये सही से ठीक हो गया है। जो कि मैंने लास्ट टाइम पे वीडियो बनाया था कि वो कुछ गड़बड़ होने की वजह से जो कि नीचे कूलिंग नहीं आ रहा था। अब देख सकते हैं आप कैसे ये यहाँ से लाइन चालू हो गई है, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज होता है आपको भी और हमको भी कभी कभी,
क्योंकि ये ट्विन कूलिंग है, डबल डबल कूलिंग कॉल आता है इसमें, इस वजह से कूलिंग में कंफ्यूज होता है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना।